तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, वीडियो क्लास तक जरूर देखना। जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का वीडियो ना सिर्फ बिहार एसआई मेंस के लिए, बल्कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए, डीआरडीओ एमटीएस के लिए, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्लास तक जरूर देखना। और आज के वीडियो में भी 50 एमसीक्यू है, आपको कमेंट कर बताना है कि आउट ऑफ 50 आपने कितने एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू अटेम्प्ट किए हैं। और कट ऑफ है आज के वीडियो का 50 में 42, 42 क्वेश्चन का सही आंसर आपको नीचे कमेंट कर देना है। चार क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए रहेंगे और 2 सेकंड आपको टाइम मिलेगा आंसर करने के लिए। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जो लोग भी लाइव है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ये आपका फर्ज बनता है। जो भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट जरूर करना। सबसे पहले तो ये जान लो कि नया नया टेलीग्राम चैनल ओपन हुआ है आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगता है। यहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा ज्वाइन करने का। या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सूरज सर क्लासेस ऐसे आप टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ आप जाके ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डेली क्लास का टाइमिंग नोट कर लो, शाम को 4 बजे मैथ और रीजनिंग क्लासेस होंगी और रात को 9 बजे जीके जीएस और जनरल का टेस्ट होगा। अगर आपको मैथ और रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए तो कमेंट करो जितना हो सके मैथ और रीजनिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस पर भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। चलो आज का सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल राजा ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के फरमान जारी किया था, बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फारूक सियर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे और यहाँ पे जो है बहुत सारे इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन जो छोटा हो गया। तो आप ध्यान से सुनना क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ते क्रम में वैद्युत चुंबकीय वर्णलेखन का सही अनुक्रम क्या है, मतलब क्या है, विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, बढ़ते क्रम में बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटा वेवलेंथ होता है गामा रे का और सबसे बड़ा होता है रेडियो वेव का, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो। गामा, तो पहले आता है गामा रे, फिर आता है एक्स रे, फिर आता है यूवी रे, फिर आता है आई रे इंफ्रारेड, उसके बाद आता है विजिबल, उसके बाद आता है रेडियो। तो इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर है ये, बढ़ते क्रम में है, तो ये नोट कर लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे लंबा सुरंग भी यही है, 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का वीडियो 9:15 में आया है लाइव, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएम मोदी ने बोला है कि 9 बजे से लेकर 9:09 तक क्या करना है, सभी को अपने लाइट्स ऑफ कर देना घर के और दीपक जलाना है। इसकी वजह से थोड़ा आज वीडियो में लेट हुआ, 9:15 में लाइव हुआ है, बाकी क्लास 9 बजे से ही होगा नेक्स्ट डे। अगला क्वेश्चन देख लियो, क्वेश्चन नंबर 4 है, कपड़ा उद्योग में मुख्य रूप से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 का यूज ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ब्रोमीन, एक क्वेश्चन ये बनता है, ब्रोमीन जो है पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से होता है, इसको कौन सा एलिमेंट कहा जाता है, तो इसको हैलोजन एलिमेंट में रखा गया है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सबको हैलोजन ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, सागा दावा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम का त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है, बुक्स और ऑथर से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर हैं आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन पड़ जाए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काशीनाथ पंडित इन्होंने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जोंडा किस देश के स्थानीय पवन का नाम है, ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोंडा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना का स्थानीय पवन है जिसे हम लोग जोंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किसका वर्णन करता है, आर्टिकल से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है।
मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है पॉलिटी के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, अगर आपने नहीं देखा है तो ये आपका बैड लक है, जरूर देख लो। नीचे यहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा, या फिर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा ना तो यहाँ पे दो तरह का एक लिंक आता है, ऐसे दो तरह का वीडियो का लिंक आता है, तो किसी एक में वो दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ, वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 51A में किसका वर्णन किया है, फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्यों का। चलो एक क्वेश्चन आप मेरे को ये बता दो कि मौलिक कर्तव्य जो है कौन से देश के संविधान से लिया गया है, कौन बताएगा? मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट करो फटाफट। चलिए बहुत सही, बिल्कुल, ये कौन से, रशिया, रूस से लिया गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रॉम्पटन प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से किस किरण से है। रोज रात को 9 बजे जीके जीएस का टेस्ट होता है, तो टेस्ट जरूर लगाया करो, दिन भर पढ़ाई करना है, रात को आके टेस्ट लगा लेना है, इससे क्या होगा आपकी तैयारी भी होती रहेगी, साथ ही साथ आप ये जज कर पाएंगे कि कितनी तैयारी आप कर रहे हो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स एक्स किरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 प्राथमिक रोगाणु परतों में से एक नहीं है, 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर नहीं है, बता दो। ऑप्शन नंबर सी, हेक्टोडर्म, यह 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स में से नहीं है। प्लूटो को निम्नलिखित में से किस वर्ष में 52वां ग्रह घोषित किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2006 में 52वां ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पुस्तक अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखी गई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किताब उल रहला, इन्होंने अमीर खुसरो ने नहीं लिखा ये बुक, बाकी सारे बुक आप देख सकते हैं उन्होंने ही लिखा हुआ है। किस कंपनी ने 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना स्थापित किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। मानव शरीर में पसलियों के कितने युग्म होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12 युग्म होते हैं। वित्त आयोग का क्या नाम है, वित्त आयोग, जैसा कि आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइनेंस कमीशन को वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, चेंचस आदिवासी समूह किस राज्य में पाया जाता है, चेंचस आदिवासी समूह किस राज्य में पाया जाता है, बता दो सभी को ही, जितने लोग लाइव हैं सबको कमेंट करना है नीचे वीडियो पे, और 50 में कितने आपने स्कोर किए हैं ये आपको बताना है, और साथ ही साथ कल का जो क्विज का क्वेश्चन था, कल का जो क्विज का क्वेश्चन था उसका आंसर भी यहाँ पे आज बताया जाएगा, और उसका नाम भी बताया जाएगा कि किसने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना, तेलंगाना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं देना है, सभी को सही आंसर करना है, सबका कमेंट देख रहा हूं मैं, बात ना करते हुए आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है और पढ़ाई करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोविंद बिहारी लाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन से एनिल आकार के बादल हैं जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है, फटाफट बता दो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी, फटाफट बताओ, सेफ्टी लैंप की खोज किसने की थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हम्फ्री डेवी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और हमारा व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। चलो अगला क्वेश्चन, अरल झील किस देश में स्थित है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान में स्थित है। हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष में किया गया था, क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966 में किया गया था। ठीक है, डेट भी पूछ लेता है, 1 नवंबर 1966 में किया गया था। एक क्वेश्चन यहां ये बनता है कि भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, बोलो, सभी को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। हाँ, एपी, एपी मतलब समझ ही सकते हो आप। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। अभी केंद्रीय बल की इकाई बता दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्वेश्चन नंबर 23 है। राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, कोई भी फोर्स हो जहां बल मतलब न्यूटन। ठीक है, और सीजीएस पूछ देता तो डाइन, तो ये भी याद होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, मक्खन में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पेपर में देखा ये क्वेश्चन दिया हुआ था। मक्खन में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेरिक अम्ल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। साइट्रिक अम्ल कहाँ होता है, खट्टों फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। और ब्यूटेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री कौन है, सभी को पता होना चाहिए, स्टैटिक जीके है ये। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करण रिजिजू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। क्लोरीन की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, फटाफट बता दो, सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जाता है एग्जाम्स में। क्लोरीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, कार्ल सीले द्वारा की गई थी। किसी खोज, क्लोरीन की खोज। अभी मैंने बताया क्लोरीन को कहाँ रखा गया है, आवर्त सारणी में, इसको हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका जो 2, 8 और 7 ये होता है इलेक्ट्रॉनिक संरचना, और इसको कितने चाहिए, इसकी वैलेंसी भी पूछ ली जाती है, संयोजकता कितनी होती है, तो 1 होती है, क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 27। एंजाइम टाइलिन स्टार्च को डैश में परिवर्तित कर देता है, जो टाइलिन है वो स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माल्टोज में चेंज कर देता है। देखो ये स्टार्च है, स्टार्च से कहाँ चेंज होता है, माल्टोज में चेंज कर दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा सिख गुरु कौन थे, सेकंड सिख गुरु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद, ये सेकंड नंबर के गुरु थे। ठीक है, और गुरु अर्जुन की बात करें तो 5th नंबर के थे, और गुरु हरकृष्ण की बात करें तो 8th नंबर के थे, और गुरु गोविंद की बात करें तो 6th पोजीशन पे ये थे। ठीक है, तो ये नोट कर लो, इंपॉर्टेंट था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दो भाई, जो लोग भी लाइव है वीडियो देखते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। क्वेश्चन नंबर 29, किस गवर्नर जनरल ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित किया था, एंशियंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 29। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए और वर्तमान बल्लेबाजी कोच कौन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विक्रम राठौर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चीन का राष्ट्रीय पक्षी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेड क्राउंड क्रेन। तो क्रेन से याद रखो आप, सिर्फ एग्जाम में सिर्फ क्रेन भी दिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा की मौलिक अधिकार उप समिति अध्यक्ष कौन थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जेबी कृपलानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ से व्यापार करने के लिए रॉयल चार्टर कब प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन, सिटी स्कैन का पूर्ण रूप बता दो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन का फुल फॉर्म।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। एटीएस का टीका निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम के लिए दिया जाता है? एटीएस, अब एटीएस का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूंगा तो यहां से आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टिटेनस सिंड्रोम। तो पता चलेगा आपको टिटनस, तो किसके लिए दिया जाता है? टिटनस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वीएस नायपॉल ने लिखा हुआ है, ठीक है। और वीएस नायपॉल को एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैंने देखा कि वीएस नायपॉल को नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ था, नोबेल प्राइज कब दिया गया था, कौन बता सकता है? मैं नीचे देख रहा हूं, कौन बता सकता है नीचे कमेंट करो फटाफट। वीएस नायपॉल को नोबेल प्राइज कब दिया गया था? यह दिया गया था आपको 2001 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नगद आरक्षित अनुपात डैश द्वारा तय किया जाता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो, देखो CRR इसका फुल फॉर्म है, कैश रिजर्व रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा तय किया जाता है भाई? जाहिर सी बात है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि रेपो रेट भी कहाँ कौन तैयार करता है? RBI ही तैयार करता है। रिवर्स रेपो रेट भी RBI तैयार करता है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और बैंक रेट क्या होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैंक रेट मतलब होता है जिस दर पे बैंक को RBI लोन देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, किसके लिए, सॉरी ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए रेपो बैंक रेट, रेपो रेट होता है दीर्घावधि के लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। अवमूल्यन आयात को डैश बनाता है, क्या बनाता है? अवमूल्यन यानी डिवैल्यूएशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महंगा बना लेता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय कहां पर स्थित है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव पुस्तकालय कार्यक्रम डैश में आयोजित किया गया था, कहां आयोजित किया गया था भाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैसूरू में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? लास्ट में जो क्विज का क्वेश्चन होता है वो भी पूछा जाएगा, और कल का जो क्विज का आंसर है वो भी बताया जाएगा, और विनर का नाम भी बताया जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कहां पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? देखो भाई, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, IREDA, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना सन 1992 में, 1992 में यह स्थापित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अगला क्वेश्चन देख लो। किस ग्रह की अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाने की अवधि अधिकतम है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वेनस यानी शुक्र सबसे ज्यादा अधिकतम समय लेता है। कितना दिन लेता है यह भी पूछ लिया जाता है, तो 224 दिन का समय लेता है अपनी धुरी में घूमने के लिए, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, किसको किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ट्विंस ऑफ प्लैनेट किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ये तीनों नाम शुक्र का जरूर याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वो कौन सा प्लैनेट है जिसके ज़्यादा उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, वो कौन सा सैटेलाइट है बता दो, कौन सा ग्रह है बता दो प्लैनेट? बिल्कुल सही जवाब, यह है सैटर्न यानी सनी। कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट है इसके पास? 82। कितने? 82। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लो फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टियाना ह्यूजेंस ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है बता दो। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, IAAF, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर?
इसका नाम पहले तो ये देख लो कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, इसका नाम चेंज हो गया 2019 में, और क्या नाम रख दिया गया है, इसका नाम रखा गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कहां पे है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मोनाको में इसका हेडक्वार्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग एंटी फ्रीजिंग के लिए किया जाता है, मतलब जमने में रोकने के लिए कौन से रसायन का यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला भी एग्जाम पूछा जाता है, फॉर्मूला नोट कर लो, CH2OH का होल ट्वाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप वृद्धि और फोटोट्रॉफिक प्रतिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन जिम्मेदार है। फोटोट्रॉफिक प्रतिक्रिया, फोटोट्रॉफिक मतलब होता है जो लाइट होता है ना, लाइट की तरफ मूवमेंट पादप का, प्लांट का लाइट की तरफ अगर मूवमेंट होता है, जैसे सूर्यमुखी का पौधा जहां लाइट होता है उसी तरह वो मूव करता है, तो इसकी प्रतिक्रियाओं के लिए और पादप वृद्धि प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, विद्युत धारा में ओम के नियम को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ओम्स लॉ सभी को पता होना चाहिए, फिजिक्स सब बच्चों वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, V=IR, ठीक है, V=IR मतलब वोल्टेज जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो डेली का डेली वीडियो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो ताकि अच्छा रिस्पॉन्स मिले इस वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 48, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम का, ठीक है। कब मनाया जाता है ये, 28 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश के अनुसार उपभोग करने की प्रवृत्ति अल्पावधि में स्थिर होती है, क्या होगा इसका आंसर बता दो फटाफट। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, किन्स के अनुसार उपभोग करने की प्रवृत्ति अल्पावधि में स्थिर होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है, किसकी सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट यानी संसद की सिफारिश पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमान से अधिक तापमान पर चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। चुंबकीय पदार्थ जो है अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है किस तापमान से अधिक जाने पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूरी टेम्परेचर से पार करने के बाद चुंबकीय पदार्थ अणुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्विज का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है, और जिसने भी बताया उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के रक्षा मंत्री नहीं थे, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, वीडियो अब खत्म ही हो गया है, अब हम लोग बात करते हैं कल के क्विज के आंसर की और कल के क्विज के विनर की। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो पहले, और इस वीडियो के जितना हो सके शेयर जरूर कर देना वीडियो देखने के बाद, व्हाट्सएप स्टडी फेसबुक पे सब जगह शेयर कर दो। चलो कल का जो क्विज का क्वेश्चन था कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती। बहुत लोगों ने ताप्ती नदी बोला था लेकिन वो की गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी, ठीक है। तो सभी ने आंसर सही से दिया, और जो सबसे पहले आंसर दिया उनका नाम रहा ये आपके स्क्रीन पे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कल का क्विज का क्वेश्चन का आंसर ये रहा। चलिए तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो, जो कोई भी क्वेश्चन हो सुझाव हो नीचे कमेंट करके आपको बताना है, और अभी फटाफट बता दो 50 में आपने कितने एमसीक्यू अटेंड किए हैं, कितने सही सही किए हैं, पूरी ऑनेस्टी के साथ बताना। चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, उसके जस्ट बाद एक बेल का आइकन आता है उसे प्रेस कर लेना, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली का डेली मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्लास टाइमिंग नोट कर लो, अगर मैथ्स और रीजनिंग के क्लासेस चाहिए आपको डेली तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना ही पड़ेगा,
और नीचे कमेंट करो, मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए जरूर लाया जाएगा। रोज रात को 9 बजे जीके जीएस का टेस्ट आता है, तो जरूर देखना, इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा, आप जीके कभी भूलोगे नहीं। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की है। अगर आपको व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।